अभी बैनुल अक्वामी सतह पे चला गया है, तो एक गुलकारा है रिहाना। अब रिहाना जो है उन्होंने इसको, उनके कुछ 10 मिलियन फॉलोअर हैं जी ट्विटर पे, और उन्होंने नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम फिर वापस आ गए हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप आगे देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आया है, जो भारत के खिलाफ बाहर से ट्वीट आ रही हैं, मतलब किसान प्रोटेस्ट को लेकर, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आया। आपको पता है रेहाना, मियाँ खलीफा और भी बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने ट्वीट किया है, उसी को लेकर ये पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में बात। उन्होंने जनाब बैनुल अकवामी कंडेम सतह किया पे बिल्कुल उन्होंने ट्वीट हुकूमत कर को। दिया इसको, उन्होंने ट्वीट कर दिया, नीचे साथ उन्होंने सीएनएन की रिपोर्ट लगा दी ट्विटर पे अपने, कि ये जो है ये आपने क्या घटियापन और जलालत का मुजाहरा किया है। नीचे हजारों लाखों लोगों ने उसको जो है वो रीट्वीट कर दिया, लाइक कर दिया। अब जनाब वहां पर क्या आरएसएस के जो पागल लोग हैं गुंडे, वो कह रहे हैं रेहाना मुसलमान, ये नहीं, अब खुदा का ये वो कह रहे हैं रेहाना को मुसलमान बना दिया। ये रेहाना जो है इनका ताल्लुक जो है ये है बारबाडोस से, दबरदूस अलग है, ये पता नहीं बारबाडोस का नाम आते ही मेरे मुंह से वो दबरदूस का निकल जाता है। अच्छा ये बारबाडोस से हैं। अब बारबाडोस जो है ये पाकिस्तान में तो हमने सुना नहीं होगा, लेकिन मेरा ख्याल से हर शख्स ने सुना हुआ है पाकिस्तान में कि बारबाडोस किधर है, और इसलिए कि बारबाडोस वेस्ट इंडीज, जो कहते हैं पाकिस्तान में वेस्ट इंडीज की टीम आ गई, तो वेस्ट इंडीज को मुल्क नहीं है, वेस्ट इंडीज कोई एक मुल्क नहीं है, बल्कि वेस्ट इंडीज 13 ममालिक हैं, 13 जजायर हैं, जो जहां पे अलग अलग मुल्क हैं, जमैका जो है ये, बारबाडोस, ग्रेनाडा, ये होते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक, जो पासपोर्ट पे जरूर होते हैं ये सारे, तो वो जो है वो उनमें से एक जो मुल्क है जो वेस्ट इंडीज, ठीक है ना। अच्छा वेस्ट इंडीज इसलिए कहते हैं कि उस जमाने में एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना यहां, जी तो उधर जो कोलंबस गया तो उधर ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उधर वेस्ट इंडिया कंपनी, वो डच जो राइट थे और अंग्रेज, उन्होंने उधर वेस्ट इंडिया कंपनी बनाई हुई थी, तो अमेरिका में आज भी उसको वेस्ट इंडिया कहते हैं, वेस्ट इंडीज की जगह कई लोग वेस्ट इंडिया कहते हैं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी इधर हमारे मत्थे लग गई थी, उधर वेस्ट इंडिया पहुंच गई थी, तो वो कोलंबस पहुंचा तो उसने कहा कि यार एक मिनट, मैं तो इंडिया की तलाश में था, तो देखा वेस्ट इंडीज, तो वहां से नाम पड़ गया, फिर वेस्ट इंडिया कंपनी बन गई। तो एनीवे अच्छा, और इसमें फिर दूसरी जो, मैं वापस आता हूं भारत के ऊपर, लेकिन एक और बात बताऊं, यहां पे फिर वो इलाके भी हैं, वो जजायर भी हैं अभी तक, जो कि बर्तानिया के कुछ, स्पेन के कुछ, नेदरलैंड के, उनके अंडर आते हैं। सही ये मिसाल के तौर पे ये हम कहते हैं ना ब्रिटिश वर्जन आइलैंड, सुना है ना ब्रिटिश वर्जन हाँ आइलैंड में वो एक कंपनी बनी हुई है, वो जो उस कंपनी के अंदर जो है ये फलाना, वो ऑफशोर कंपनी है फलाना, ये शेयर्स वो मौजूद हैं, कैमन आइलैंड, करप्शन ये केसेस तो में ये सारे बहुत। वेस्ट जी इंडीज, जी ये वेस्ट इंडीज के। अच्छा ये वो जजायर हैं जो बर्तानिया के अंडर हैं, ये कैमन आइलैंड, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड वगैरह, ठीक है, ठीक मतलब डिपेंडेंट है उन पर, कुछ आजाद है कुछ नहीं है, बहरहाल एनीवे वापस आते हैं, इंडिया पे आते हैं। अच्छा इंडिया में अब ये किसानों की चल रही है जनाब मूवमेंट, और किसानों के ऊपर किसानों का फड़ा पड़ गया है। मुझे, मैं हैरान हूं कि इसके ऊपर ही मोदी जो है इनकी इनकी गवर्नमेंट पे बड़े सेंसिबल लोग, अच्छे लोग हैं, ये नहीं जैसे मैंने कहा ना जयशंकर बड़ी नपितुली बात करते हैं, और बहुत सारे वजरा हैं, मतलब क्या बात है, अच्छे लोग हैं बीजेपी के अंदर, तो देखें ना अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के थे, जो पाकिस्तान के अमन की बात कर रहे थे, बस लेकर आए थे पाकिस्तान, और पाकिस्तान की तरफ से भी हाथ बढ़ाया गया था, वो ये अलग बात है कि बाद में कारगिल हुआ और जो भी कुछ हुआ वो, लेकिन अमन की बात तो बीजेपी करती रही। अच्छा अब इसी बात को शायद तनाजेन में रखते हुए इमरान खान साहब ने कहा था कि मोदी दोबारा आ जाए तो शायद बातचीत हो, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी पहले एक दिखा चुके थे, अच्छी बातचीत का मुजाहरा कर चुके थे, लेकिन अब मोदी ने आके, अब मोदी अंदर फंस गए, और मोदी अंदर आके ऐसा फंसा हुआ है। अच्छा मोदी ने अपने साथ साथ फंसा दिया है उधर बाइडन को। अब बाइडन जो है, देखिए मैं ये बात जो है ना, मैं अब आज मैं इसको, इस डेवलपिंग स्टोरी को मैं बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा हूं कि इसको किस तरह से अमेरिका इसको निपटाएगा। उसकी वजह यह है कि जो म्यांमार है, जी देखिए ग्लोबल टाइम्स ने, अच्छी चाइना, जाहिर है चाइना का जो नुक्ता नजर है वो हमें पता चलता है जब उनके ग्लोबल टाइम्स को हम देखते हैं, उन्होंने एडिटोरियल लिखा है कि वेस्ट शुड रिफ्रेन फ्रॉम एडिंग फ्यूल टू फ्लेम्स इन म्यांमार, और उसकी वजह यह कि उन्होंने कहा कि हम पाबंदियां लगाएंगे, ठीक है पाबंदियां लगा देंगे, यानी माशी पाबंदियां। अच्छा माशी पाबंदियां लगा देंगे तो यानी म्यांमार की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा माशी पाबंदियां लगाने से, ठीक है,
और माशी पाबंदियां लगाने का मतलब ये होगा कि आपने म्यांमार के लोगों के अंदर एक तो मजीद अमरीका के खिलाफ गुस्सा पैदा हुआ, दूसरा यह कि वहां पर चाइना मौजूद है और इसीलिए वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है ओपिनियन पेज पे कि यूएस नो गुड ऑप्शन इन म्यांमार, ऑप्शन ही कोई नहीं है। अच्छा, यानी अजीब सूरत हाल है कि भाई आप साउथ चाइना सी। मैंने ये वीडियो देखा, डॉक्टर घोचू के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। डॉक्टर घोचू पिछले 6 महीने से मतलब भारत चीन के बीच जो विवाद चला था उसको लेकर उन्होंने अपनी फर्जी स्टोरी बनाई, और जब से जर्नलिज्म में आए हैं मतलब जब से पत्रकारिता की है तब से ये इसी तरीके की फालतू बात करते आ रहे हैं, तो इन पर मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। मैं बात करना चाहूँगा जो रिहाना ने और मियाँ खलीफा ने ट्वीट किया है उसके बारे में, मतलब किसान प्रोटेस्ट को लेकर ये ट्वीट किया है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं बाहर जो मतलब भारत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जो लोग लगे हुए हैं, जो टीम लगी हुई है, उनकी मतलब उनके पास कितना पैसा है, उनकी पीआर टीम कितनी स्ट्रांग है कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी से भी ट्वीट करा सकते हैं। हालांकि इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बता दें जॉन सीना ने भी आसिम रियाज के लिए ट्वीट किया था, और इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। मतलब जिसके पास पैसा है वो ट्वीट कर सकते हैं। आसिम रियाज आपको पता होगा बिग बॉस का जो प्रीवियस सीजन था, मतलब जो सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज फाइनल में पहुंचे थे, उसके बाद से जॉन सीना ने आसिम रियाज को ट्वीट किया था। मतलब जॉन सीना क्या बिग बॉस देखता होगा, वो भी हिंदी वर्जन वाला, आप भी सोच सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं। इसको लेकर कैरी मिनाटी ने भी रोस्ट किया था, आपने अगर वो वीडियो देखा हो तो डेफिनेटली आपको पता होगा। तो दोस्तों रिहाना को क्या पता किसान प्रोटेस्ट किसान आंदोलन भारत में जो हो रहा है, क्रेटा को क्या पता, और ये जो और भी सेलिब्रिटी, मुझे शायद उनके नाम भी नहीं पता है, तो क्या पता वो कौन कौन है। हॉलीवुड के बहुत सारे हैं, मियाँ खलीफा का तो ऑब्वियसली पता है नाम, इनको क्या पता कि किसान प्रोटेस्ट, इनको पैसे मिले इन्होंने ट्वीट कर दिया। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों जो भारत के बाहर जो खालिस्तानी ही बोलूँगा मैं, जो चाहते हैं कि भारत में दंगे फसाद हो, फिर से 1947 की तरह माइग्रेशन हो, मतलब जो भारत में इतने सारे सिख शांतिपूर्ण तरीके से इतनी इज्जत के साथ इतने अच्छे से रह रहे हैं, तो क्या वो चाहते हैं कि यहाँ पर फिर से दंगे फसाद हो, फिर से माइग्रेशन हो, सारे सिख भारत से पंजाब में माइग्रेट करें और वहाँ पर जाकर खालिस्तान बनाएं। मैं यहाँ के सिख भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ इनके खिलाफ़ आप बोलना शुरू करें, सोशल मीडिया पर आएँ, वीडियो बनाएं, इनके खिलाफ़ खुलकर बोलें। अगर आप भारतीय हैं तो डेफिनेटली आपको डिफेंड करना होगा, क्योंकि ये लोग बहुत पैसे वाले हैं ऑब्वियसली, और इतनी बड़ी बड़ी पीआर टीम भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए अगर ये मतलब पैसा यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमारे देश के लिए बहुत मतलब सुरक्षा के लिए एक खतरा है। रही बात किसान प्रोटेस्ट की, प्रोटेस्ट करना सबका एक अधिकार है, लेकिन प्रोटेस्ट के नाम पर आप गुंडागर्दी, तोड़फोड़ या लाल किले में जाकर आप झंडा का अपमान नहीं कर सकते। आप माने ना माने आपने किया है, आप किसी भी तरीके से अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ ऐसा ना करें। और रही बात किसान आंदोलन की, तो भारत में 65% आबादी किसान है, मैं भी एक किसान बाप का बेटा हूँ। किसान अगर बिल ख़राब है तो डेफिनेटली मोदी गवर्नमेंट हट जाएगी अगले चुनाव में, हटा देंगे। आप भी अपनी पार्टी बनाए, किसानों से रिक्वेस्ट करें, ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई कानून आ गया डेमोक्रेसी में और आप रोड जाम करके तोड़फोड़ करके आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, और आपके पास भी अच्छा बैकबोन स्ट्रांग है, पैसा है आपके पास, पीआर टीम है, दूसरे देशों से ट्वीट कराकर आप कानून हटवा लें, ऐसा तो हो नहीं सकता। आपको पता है किसान आबादी 65% है भारत की, अगर कानून गलत है तो आप आओ चुनाव में, ले आओ फुल नंबर, हटा दो कानून, जो जो कुछ जैसे मन के कानून लाना वैसे ला दो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दादागिरी ब्लैकमेलिंग करना सही नहीं रहेगा। इस वीडियो में जाते जाते मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसान भाइयों के अलावा सिख भाइयों से जो भारत के कोने कोने में बसे हैं, यहाँ तक कि मेरे एरिया में बसे हैं, एमएलए भी रह चुके हैं, मतलब उनकी आबादी इतनी कम है लेकिन मेरे एरिया में हिंदू डोमिनेटेड हिंदू आबादी ज़्यादा है, उसके बाद भी उन्हें चुनाव जिताया जाता है, तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज़ जो बाहर बसे एनआरआई हैं उनको आप एक सख्त जवाब दें कि हमारे देश में दंगा फसाद नफ़रत फैलाने की कोशिश ना करें इस तरीके के, मतलब वहाँ से वीडियो बनाकर वहाँ पर आप मतलब इंडियन तिरंगा जलाएंगे या कुछ राम मंदिर जो बन रहा है उसके बारे में उल्टा सीधा लिखेंगे, तो डेफिनेटली ये सही नहीं रहेगा। हो सकता है वो फेक हो, पगड़ी पहनकर पाकिस्तानी हो सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन खालिस्तानी एंगल है आप भी जानते हैं, तो इसको आप अच्छे से इनके खिलाफ कुछ वीडियो बनाएं, सोशल मीडिया पर सामने आए, जिससे कि एक कड़ा जवाब जो है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो